लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को बोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को बिस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूँ। ज्योग्राफी में भारत का भूगोल सीरीज 23 और आज ज्योग्राफी का लास्ट सीरीज है आप सभी के लिए। बहुत सारा सीरीज हम लोग देखे ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में 40 सीरीज और इंडियन ज्योग्राफी में 23 सीरीज, जो कि आपके ऑल एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आप सभी का अब ये कर्तव्य बनता है कि आप सभी पीछे के जितने वीडियो हैं ज्योग्राफी के, वो सारे वीडियो को रिकॉल करते रहें और अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहें। मेरा काम था आपको पूरा क्वेश्चन का भंडार देना, आपके पास अब पूरा क्वेश्चन का भंडार हो चुका है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका तैयारी कितने बेहतर ढंग से करते हैं। अगर आप तैयारी बेहतर बनाते हैं तो एग्ज़ाम को आप क्रैक करेंगे, अन्यथा आप चूक जाएंगे। इसलिए अब आपको तय करना है आप क्या करेंगे, क्योंकि मैं तो अपना काम कर दिया, अब आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है वो ज़रूर मेहनत करेंगे और अपने तैयारी को बेहतर बनाएंगे, ताकि एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो आज हम लोग भारत के भूगोल सीरीज 23 और ज्योग्राफी का लास्ट सीरीज, क्वेश्चन की संख्या कुछ ज़्यादा होगा, आप डरेंगे नहीं, लास्ट तक बने रहेंगे सभी लोग, क्योंकि लास्ट है तो क्वेश्चन की संख्या जो है कुछ बढ़ गए हैं, इसलिए आपको डरना नहीं है। सभी क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करेंगे और जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर सभी लोग करें, लिंक शेयर करें, आप सभी लोगों को शामिल करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि आज का ज्योग्राफी का लास्ट सीरीज है, इसलिए कोशिश करें सभी लोग शामिल हैं। और आइए देखते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। क्वेश्चन है एक नंबर, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है आंसर करना है। एक नंबर ऑप्शन है बॉम्बे हाई, सेकेंड अंकलेश्वर, थर्ड नौगांव और फोर्थ है डिगबोई। तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार जो है वो आपका डिगबोई असम में है। ध्यान रखना है डिगबोई में है, असम में, यह भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार है, आपको ध्यान रखना है। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत के अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है आंसर आप सभी लोग करेंगे। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है आप लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है आंध्र प्रदेश तट से, सेकेंड है गुजरात तट से, थर्ड है तमिलनाडु तट से और फोर्थ है बॉम्बे हाई से। तो इसका आंसर आप सभी लोग करें कि सबसे ज़्यादा जो है वो प्राकृतिक गैस का उत्पादन कौन से तट से किया जाता है आप सभी लोग आंसर करें। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो है वो सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन जो है वो किस तट से किया जाता है आप सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर,
बॉम्बे हाई से सबसे अधिक जो है वो प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि बॉम्बे हाई से सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? आंसर करें आप सभी लोग, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन है आपका एक नंबर ऑप्शन है कोयला, सेकेंड है आपका लकड़ी, थर्ड डीजल और फोर्थ है पेट्रोल। तो कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है आप लोग आंसर करेंगे, तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, लकड़ी। लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है चार नंबर, कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है, आप लोगों को आंसर करना है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है, ऑप्शन है एक नंबर नाभिकीय ऊर्जा, सेकेंड है पेट्रोल, थर्ड है कोयला और फोर्थ है जल विद्युत। तो इसका आंसर आप सभी लोग करें, जितने लोग लाइव चैट में जुड़ते हैं सभी लोग कोशिश करें कि आंसर करें, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। जितने भी क्वेश्चन से आपको डर लगता है उतना ही जो है आप जो है डरना समाप्त हो जाएगा आपके अंदर, इसलिए डर समाप्त करना है तो सभी लोग आंसर करते रहें। तो क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत जो है वो कोयला होगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है, आप लोग को आंसर करना है। एक नंबर ऑप्शन है अणु ऊर्जा, सेकेंड है विद्युत ऊर्जा, थर्ड है थर्मल ऊर्जा और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है, सभी लोग आंसर करें कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है, इसका आंसर सभी लोग करें। तो ध्यान रहे कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश जो है वो थर्मल पावर का है, ध्यान रखना है। भारत में सर्वाधिक जो है वो ऊर्जा उत्पादन में जो अंश है वो ध्यान रखना है कि थर्मल पावर का है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है सी नंबर, थर्मल पावर का जो है सबसे ज़्यादा योगदान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी, सभी लोग इसका आंसर करें। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी, ऑप्शन एक नंबर कल्पक्कम, सेकेंड है कोटा, थर्ड नरोरा और फोर्थ है तारापुर। तो इसका आंसर सभी लोग इसका आंसर करें कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी, सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, तारापुर। तारापुर भारत का प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन थी, जिसकी स्थापना 1969 में हुआ था, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर डी नंबर होगा और ये तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन है, आपको आंसर करना है। एक नंबर ऑप्शन है यूरेनियम, सेकेंड है थोरियम, थर्ड है प्लूटोनियम और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन है, आप लोग आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा आपका थोरियम। भारत में जो है वो केरल के मालाबार तट पे थोरियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा थोरियम, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। एक नंबर ऑप्शन है केरल, सेकेंड है गुजरात,
थर्ड है तमिलनाडु और फोर्थ है उत्तर प्रदेश। सभी लोग इसका आंसर करें, आप सभी लोग इसका आंसर करें कि कुडन कुलम नाव की ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें कि कुडन कुलम नाफकीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखना है इसका आंसर सी नंबर होगा, तमिलनाडु में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कैगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है। कैगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है, आप लोग इसका आंसर करेंगे। एक नंबर ऑप्शन है केरल, सेकेंड है कर्नाटक, थर्ड तमिलनाडु और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। तो कैगा कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना है कैगा कर्नाटक में स्थित है, यानी कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, ऑप्शन है एक नंबर केरल, सेकेंड है गुजरात, थर्ड है तमिलनाडु और फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है कहाँ पर, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रखना है कि नरोरा आपका जो है वो स्थित है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रावत भाटा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। रावत भाटा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, ऑप्शन है एक नंबर राजस्थान, सेकेंड है कर्नाटक, कैगा लिखा गया है कर्नाटक करेंगे, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो रावत भाटा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि रावत भाटा स्थित है आपका राजस्थान में। तो इस तरह से ये सभी महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन है कि काकरा पार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। काकरा पार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, ऑप्शन है एक नंबर राजस्थान, सेकेंड है गुजरात, थर्ड है तमिलनाडु और फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो काकरा पार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा काकरा पार जो है वो गुजरात में स्थित है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्न में कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है। कहाँ पर जल विद्युत गृह स्थित है, ऑप्शन नंबर एक है कोयना, इसे कोयना आप कर लीजिएगा, कोयला हो गया है कोयना, नेक्स्ट है नवेली, नेक्स्ट है ट्रांबे और नेक्स्ट है काठगोदाम। तो कहाँ पर जल विद्युत गृह स्थित है, आप लोग को आंसर करना है। जल विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रखें कि जल विद्युत गृह जो है वो कोयना में स्थित है एक नंबर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कोयना नदी पर निर्मित बांध है, कोयना महाराष्ट्र राज्य में है, ध्यान रखेंगे तो वहीं पर जल विद्युत गृह स्थित है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा राज्य जो है वो पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, आपको आंसर करना है। एक नंबर ऑप्शन है असम, सेकेंड है कर्नाटक, थर्ड है तमिलनाडु और नेक्स्ट है राजस्थान। तो कौन सा राज्य पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है, तो अभी इसका वर्तमान में आंसर तमिलनाडु होगा, ध्यान रखेंगे। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान अभी तमिलनाडु रखता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीनतम उद्योग कौन है। निम्न में से कौन सा उद्योग जो है भारत का प्राचीनतम उद्योग है, ऑप्शन है एक नंबर जूट, सेकेंड है आपका सूती वस्त्र, थर्ड है चाय और नेक्स्ट है चीनी। तो भारत का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन है, आपको आंसर करना है, सभी लोग इसका आंसर करें कि सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन है। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत में सबसे प्राचीनतम उद्योग है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, आप लोग को आंसर करना है। एक नंबर ऑप्शन है नांगल, सेकेंड है सिंदरी, नेक्स्ट है आलवे और नेक्स्ट है ट्रांबे। तो इसका आंसर करें आप सभी लोग कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रहे कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है
वो सिंदरी में लगा था, यानी कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष होती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष होती है, आप लोग को आंसर करना है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। एक नंबर ऑप्शन है 1965, सेकेंड है 1921, नेक्स्ट है 1924 और नेक्स्ट है 1956। तो सभी लोग इसका आंसर करें कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है, इसका आंसर आप सभी लोग करें। जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हुए हैं सभी लोग कोशिश करें कि इसका आंसर करें। आज आपका ज्योग्राफी का लास्ट क्लास है। अभी तक हम लोग ज्योग्राफी में कुल जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है वो 40 वीडियो आपको इसके प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप सभी उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है वो कुल 23 आज मिलाकर जो है कुल 23 वीडियो उपलब्ध है, आप सभी इसे जो है वो देखेंगे और रिकॉल करेंगे। जितने भी क्लास गए हैं वो सारा क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब आपका कर्तव्य यही है कि आप सभी पूरे क्लास को रिकॉल करते रहें। जितने भी ज्योग्राफी के वीडियो उपलब्ध हैं आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप सभी इसे रिकॉल करें और अपने तैयारी को और बेहतर बनाएं, ध्यान रखेंगे। सभी लोग इसका जो है वो रिकॉल करें और अपने तैयारी को दिन प्रतिदिन यही कोशिश करें कि इसे और बेहतर बनाते चले, तो आपको जो है काफ़ी फ़ायदा होगा और आपका हमेशा जो है ज्योग्राफी रिकॉल होते रहेगा। तो आप जो है वो एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपके लिए जो है कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। इसलिए आप सभी का ये कर्तव्य है, आप सभी देखें। और अब मंडे से हम लोग जो है वो कोई नई सब्जेक्ट लेकर जो है हम आएंगे आपके लिए, ताकि आप जो है वो आपका लगातार जो है वो क्लास चलते रहे, कोई रुकावट ना हो। इसके लिए हम एक कम्युनिटी पोस्ट करेंगे। आप लोग जो है वो साइंस सेक्टर जो है वो चाह रहे हैं या फिर अभी आर्ट्स का सेक्टर में हिस्ट्री लेकर आए, ये आपको बताना है। इसके लिए हम एक कम्युनिटी पोस्ट करेंगे जिसमें आप सभी पोल करेंगे किसका संख्या ज़्यादा है, क्योंकि जो है वो संख्या के ही आधार पर हम लोग चलते हैं, क्योंकि अपना देश जो है वो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में संख्या मायने रखता है। इसलिए जिनका संख्या ज़्यादा होगा वही क्लास शुरू किया जाएगा। तो इस तरह से इसके लिए हमें जो है वो कल आपके लिए जो है कम्युनिटी टेस्ट पोस्ट करेंगे, आप उसमें जो है अपना प्रतिक्रिया देंगे और उसके आधार पर हम सोमवार को आपके लिए जो है वो नई सब्जेक्ट लेकर आपके लिए यूट्यूब पर उपलब्ध होंगे। और शनिवार को हम लोग वीकली करेंट शाम में देखेंगे और संडे को आपके लिए मार्च महीना का मंथली करेंट टेस्ट लेकर आ रहे हैं। संडे को मार्च का मंथली करेंट अफेयर्स लेकर आ रहे हैं, आप सभी रेडी हो जाएंगे। आपके पास जो है अभी समय है, आप दो दिन में रिकॉल कर लेंगे। हम संडे को मंथली करेंट टेस्ट लेकर आ रहे हैं मार्च का, आप सभी मार्च के पूरे करेंट को रिकॉल करेंगे। तो सभी लोग उम्मीद करते हैं कि रेडी होंगे। आइए इसका आंसर कर लेंगे। इसका आंसर सी नंबर होगा, 1924। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। कौन सा उद्योग जो है वो पानी का एक सबसे बड़ा उपभोक्ता है, आपको आंसर करना है। कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। एक नंबर ऑप्शन है अभियांत्रिकी, एक नंबर ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है आपका कागज एवं लुगदी। थर्ड है वस्त्र उद्योग और फोर्थ है ताप शक्ति। तो इसमें से कौन सा उद्योग जो है आपको आंसर करना है कि पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर डी नंबर होगा, ताप शक्ति। ताप शक्ति जो है वो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है। नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है। ऑप्शन एक नंबर खाद, सेकेंड है अखबारी कागज, थर्ड है आपका चीनी और नेक्स्ट है ऊनी वस्त्र। तो नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है, तो आप ध्यान रखेंगे नेपा नगर का संबंध जो है वो अखबारी कागज से है, आपको ध्यान रखना है। अखबारी कागज से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि प्रबंध अकादमी स्थित है। राष्ट्रीय कृषि
राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है कहाँ पर, आप लोग आंसर करेंगे। एक नंबर ऑप्शन है हैदराबाद, सेकेंड है जयपुर, थर्ड है मैसूर और नेक्स्ट है झांसी। इसका आंसर आप सभी लोग करें, सभी लोग आंसर करें कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ पर स्थित है, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर एक नंबर हैदराबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है, ऑप्शन है हैदराबाद, सेकेंड है जयपुर, थर्ड है मैसूर और नेक्स्ट है झांसी। सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है। इसका आंसर सभी लोग करें, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जयपुर। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, ऑप्शन है हैदराबाद, नेक्स्ट है जयपुर, नेक्स्ट है मैसूर और नेक्स्ट है झांसी। इसका आंसर करें, तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मैसूर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ऑप्शन है हैदराबाद, सेकेंड है जयपुर, थर्ड है मैसूर और नेक्स्ट है झांसी। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, सभी लोग आंसर करें। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका झांसी में स्थित है, ध्यान रखना है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, ऑप्शन है हैदराबाद, सेकेंड है जयपुर, नेक्स्ट है मैसूर और नेक्स्ट है बीकानेर। सभी लोग इसका आंसर करें, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बीकानेर। इसका आंसर जो है वो बीकानेर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, ऑप्शन एक नंबर कटक, सेकेंड है जयपुर, नेक्स्ट है मैसूर और नेक्स्ट है बीकानेर। तो ध्यान रखेंगे चावल शोध संस्थान जो है वो कटक में स्थित है, एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित हैं। तो कुछ प्रजाति से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कर लेंगे कि भारत के किस भाग में द्रविडियन प्रजाति के लिए मुख्यतः संकेंद्रित स्थान है। ऑप्शन है दक्षिण भारत, सेकेंड है उत्तर पश्चिम भारत, नेक्स्ट है उत्तर भारत और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः जो है वो दक्षिण भारत का क्षेत्र इनके लिए संकेंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, कुल आज आपके लिए 40 क्वेश्चन होंगे क्योंकि आज लास्ट है ज्योग्राफी का, इसलिए क्वेश्चन की संख्या कुछ ज़्यादा हो गया है, आप लोग आंसर करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन से डरना नहीं है, आपको बस आंसर करना है, क्योंकि आज जो है वो ज्योग्राफी का लास्ट क्लास है और लास्ट क्लास में आप जो है वो सभी लोग जरूर अंत तक बने रहें, सभी लोग अंत तक बने रहें और आंसर करें। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें, इससे आपको जो है वो काफ़ी फायदा होगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जितने लोग क्लास फॉलो करते हैं सभी लोग कोशिश करें कि पीछे जितने क्लास हैं सभी को रिकॉल करते रहें, नहीं तो आप छोड़ देंगे तो आपको जो है वो पूरा ज्योग्राफी जितना पढ़े सब बेकार चला जाएगा। इसे समय समय पर आप इसे रिकॉल करते रहेंगे, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है। ऑप्शन है खांसी, सेकेंड है मुंडा, थर्ड है भील और नेक्स्ट है थारू। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, थारू जनजाति जो है वो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि गद्दी लोग निवासी हैं, यानी कि गद्दी जनजाति के लोग जो है कहाँ पर निवास करते हैं। ऑप्शन है एक नंबर मध्य प्रदेश, सेकेंड है आपका हिमाचल प्रदेश, थर्ड अरुणाचल प्रदेश और नेक्स्ट है मेघालय। तो गद्दी लोग कहाँ पर जो है वो निवास करते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, हिमाचल प्रदेश। गद्दी लोग हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि संथाल निवासी हैं,
संथाल जनजाति जो है वो कहाँ पर निवास करते हैं? ऑप्शन है मध्य भारत, नेक्स्ट है दक्षिण भारत, नेक्स्ट है पश्चिम भारत और नेक्स्ट है पूर्वी भारत। तो संथाल जनजाति के जो लोग होते हैं वो कहाँ पर निवास करते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि संथाली लोग जो होते हैं वो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं ओडिशा के क्षेत्र में निवास करते हैं। यानी कि इस तरह से अगर हम बात करें तो पूर्वी भारत में ये लोग निवास करते हैं, कि पूर्वी भारत के जो स्टेट्स हैं उधर ही संथाल जनजाति मिलेंगे। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोडो निवासी हैं, बोडो निवासी हैं कहाँ का आंसर करें सभी लोग? ऑप्शन है एक नंबर गारो पहाड़ी के, सेकेंड है संथाल परगना के, थर्ड है अमेजन बेसिन के और नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के। तो बोडो जनजाति का निवास स्थान कहाँ है आप लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि बोडो जनजाति जो है वो गारो पहाड़ी के प्रमुख जो है वो निवासी है, और ये गारो पहाड़ी जो है वो मेघालय में, ध्यान रखेंगे मेघालय के गारो खासी जयंतिया है और उसी में जो है बोडो निवासी पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा गारो पहाड़ी के निवासी हैं आपका बोडो जनजाति। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है? भारत के सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ऑप्शन है एक नंबर भील, सेकेंड है गोंड, नेक्स्ट है संथाल और नेक्स्ट है थारू। तो भारत के सबसे बड़ी जनजाति कौन है आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि भारत का सबसे बड़ा जनजाति कौन है, इसका आंसर सभी लोग करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे कि भारत के सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भारत का सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो गोंड है, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा जनजाति कौन है, तो गोंड है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, टोडा जनजाति निवास करती है, टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है आंसर करें सभी लोग। ऑप्शन है एक नंबर अरावली पहाड़ी, सेकेंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है नीलगिरी की पहाड़ी और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो टोडा जनजाति निवास करते कहाँ पर, तो ध्यान रखना है इसका आंसर हो जाएगा टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी की पहाड़ी पर निवास करते हैं, और नीलगिरी पहाड़ी के बारे में विशेष आपको पीछे वीडियो में बताया जा चुका है, आप सभी पीछे की वीडियो देखकर इसे समझेंगे। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? सरहुल त्यौहार जो है वो कौन सी जनजाति मनाते हैं आप लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है उड़ाव, सेकेंड है कुमार है, नेक्स्ट है बैगा और नेक्स्ट है गोंड। तो सरहुल त्यौहार कौन से जनजाति मनाते हैं, तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर उड़ाव, उड़ाव जनजाति के द्वारा सरहुल त्यौहार मनाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सुमेकित नहीं है, इसमें से कौन जो है वो सुमेकित नहीं है आपको आंसर करना है। एक नंबर ऑप्शन है टोडा तमिलनाडु, नेक्स्ट है लेपचा सिक्किम, नेक्स्ट है बिरहोल झारखंड और नेक्स्ट है गारो मिजोरम। इसका आंसर करें सभी लोग आंसर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ध्यान रहे टोडा तमिलनाडु नीलगिरी की पहाड़ी पर सही है, लेपचा सिक्किम की जनजाति ये भी सही है, बिरहोल झारखंड की जनजाति ये भी सही है, गारो जो है वो मेघालय की जनजाति है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भील जाति पाई जाती है, भील जाति कहाँ पर पाई जाती है आप लोग को आंसर करना है, कि भील जाति जो है वो कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, सभी लोग इसका आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है केरल, सेकेंड है गुजरात, थर्ड है तमिलनाडु और नेक्स्ट है महाराष्ट्र। तो भील जाति कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की यह जनजाति है भील जनजाति, आप ध्यान रखेंगे तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन एक नंबर नीलगिरी, सेकेंड है निकोबार, थर्ड है स्पीति और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है आप लोग आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि सोमपेन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रखें कि सोमपेन जनजाति जो है वो निकोबार में पाए जाते हैं, यानी कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, निकोबार में जो है आपका सोमपेन जनजाति पाई जाती है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कौन सही नहीं है, इसमें से कौन सा सही नहीं है आपको आंसर करना है। एक नंबर ऑप्शन है भील गुजरात,
नेक्स्ट है गड्डी हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट है कोटा तमिलनाडु, और नेक्स्ट है टोडा केरल। इसका आंसर करें सभी लोग, सभी लोग आंसर करें कि जो है वो कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सही नहीं है, आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा आपका टोडा। टोडा केरल की जनजाति नहीं है बल्कि ये नीलगिरी पहाड़ी की प्रमुख जनजाति है, तो बाकी का सब सही है और टोडा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। नीलगिरी पीछे भी हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं इससे रिलेटेड। और अगला क्वेश्चन है कि टिड्डियां भारत में प्रवेश करती है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टिड्डियों जो देखते हैं टिड्डियों का दल, तो टिड्डी जो कीट होते हैं ये भारत में प्रवेश कहाँ से करते हैं? ऑप्शन है एक नंबर पाकिस्तान से, सेकेंड है नेपाल से, नेक्स्ट है बांग्लादेश से, और नेक्स्ट है श्रीलंका से। इसका आंसर करें, कोविड के समय भी काफ़ी टिड्डियाँ जो है भारत के अंदर प्रवेश किए थे, तो इस तरह से ये ध्यान रखेंगे कि पाकिस्तान से प्रवेश करते हैं टिड्डी, तो ध्यान रखना है इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन उत्तरी ध्रुव के अनुसंधान केंद्र है? ऑप्शन है आपका एक नंबर हिमाद्री, सेकेंड है दक्षिण गंगोत्री, थर्ड है मैत्री, और नेक्स्ट है भारती। तो ध्यान रहे इसका आंसर जो है वो उत्तरी ध्रुव के अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछ रहा है, तो उत्तरी ध्रुव का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है, ध्यान रखना है हिमाद्री उत्तरी ध्रुव का अनुसंधान केंद्र है, जबकि दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती ये तीनों जो है वो दक्षिणी ध्रुव का अनुसंधान केंद्र है। आपको ध्यान रखना है दक्षिणी ध्रुव का अनुसंधान केंद्र ये तीनों है, जबकि हिमाद्री जो है उत्तरी ध्रुव के अनुसंधान केंद्र है, आपको ध्यान रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है एक नंबर रेशम, सेकेंड है सीमेंट, नेक्स्ट है चमड़ा, और नेक्स्ट है जूट। तो बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट के लिए, डालमिया नगर बिहार का सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से आज 40 क्वेश्चन के साथ आज ज्योग्राफी का सेवा समाप्त हुआ। अब हम लोग न्यू सब्जेक्ट से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण सीरीज देखेंगे, लेकिन मंडे से आपके लिए जो है वो संडे को मार्च मंथली करेंट टेस्ट होगा और सैटरडे को वीकली करेंट। तो आप सभी लोग करेंट के तैयारी करें ताकि टेस्ट में बेहतर करें, और जितने भी आपको प्लेलिस्ट में पॉलिटी से ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे वो सारे वीडियो को रिकॉल करें, इससे आपका पूरा क्वेश्चन रिकॉल होते रहेगा और आप कभी ना भूलेंगे और एग्जाम में आपका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहेगा। तो इस तरह से सभी लोग कोशिश करें अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। तत्काल आज का क्लास समाप्त हुआ, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और सभी लोगों को गुड नाइट, सभी लोगों को गुड नाइट मेरे तरफ से।